सरकार भले ही आयुष्मान योजना के तहत देश के आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हो, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। स्वास्थ्य की चरमराई व्यवस्था के बीच रोहतास से खाट पर हेल्थ सिस्टम को ढोने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां नसबंदी के ऑपरेशन के बाद मरीज को उनके परिजन खटिया पर उठाकर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर रोहतास जिले के रोहतास प्रखंड के अकबरपुर के पास की है। बताया जा रहा है कि रोहतास प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बभन तालाब गांव के एक महिला की नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था। एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिजन खटिया को डोली बनाकर उसे गांव तक ले गए। रोहतास के कैमूर पहाड़ी के इलाके में इस तरह की तस्वीरें आम हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर कितनी भयावह है। पूरा हेल्थ सिस्टम मानो रोहतास जिला में खाट पर आ गया हो। पानी देता हूँ, बताइए काहे नहीं मिला? पीएचसी में गए थे, गाड़ी जल गया, गाड़ी बिगड़ गया। तो व्यवस्था करता ना कहीं से भी, आप लोग ऐसे लेके जा, ऑपरेशन हुआ है ना इनका? ऑपरेशन है। हाँ ठीक है, चलिए आज का भी यही देख लीजिए, जमाने में लोग पहाड़ चढ़ेगा ये पैदल। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? बभन तालाब के निवासी हैं। वहीं संबंध में सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि चूंकि मरीज का घर पहाड़ पर स्थित है, यहां एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, ऐसे गांव में मरीजों को खटिया या फिर अन्य तरीके से उठाकर ही ले जाया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है, तो वहां जो है सो उस दिन 16 मरीज का ऑपरेशन हुआ था, और 16 मरीज के ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन वो मरीज सबको चाय वाय पिला के, खिचड़ी उचड़ी खिला के, दवाई ववाई देने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने करने के उपरांत एम्बुलेंस की सुविधा सबको प्रदान करने के लिए चालू कर दिया गया एम्बुलेंस। लेकिन ये जो मरीज जो है जिनके बारे में पूछा जा रहा है आपके द्वारा, उनका पहाड़ पर, कैमूर की पहाड़ी पर घर है, और वहाँ पर जो है सो एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, और उस जगह से पैदल रास्ता 7 किलोमीटर का पड़ता है ऐसा मुझे बताया गया, और एम्बुलेंस जहाँ के छोड़ता जिस जगह पे, वहाँ से उसके घर की दूरी मोर देन 12 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो यह स्वतः निर्णय लेते हुए परिवहन और उनके परिजन जो है सो उनको पैदल रास्ता से ही ले गए। एक तरफ तो राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा करती हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो बिहार की चिकित्सा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल सिविल सर्जन ने इस संबंध में जांच का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन की रिपोर्ट।